क्या होगा आपका रिएक्शन जब मैं आप सभी से कहूंगा कि मोबाइल की तरह ही आप अपने पीसी पर भी डाल सकते हैं इमोजी। ओह माय गॉड। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट से या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं और वहां पर आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए 10 ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स लेके आया हूँ, इसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए जानते हैं कौन से वो 10 कीबोर्ड के इजी ट्रिक्स। नंबर 10, हमें कई बार ब्राउज़र पर काम करते हुए बहुत सारे टैब्स को एक साथ ही ओपन करना पड़ता है, तो हम सिंपली वहाँ पर एक एक टैब्स को ओपन करते हैं। तो ऐसे ना करते हुए हमको सिर्फ कंट्रोल प्लस टी कीज को प्रेस करते जाना है। ऐसे करते ही हमारे बहुत सारे टैब्स एक सेकंड में ओपन हो जाएंगे। ऐसे ही हमें बहुत बार उस टैब्स को क्लोज करना पड़ता है, तो हम एक एक टैब्स को क्लोज करते हैं क्रॉस मार्क के साइन पर जाके। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना माउस का यूज़ करते हुए आप उन्हीं सब टैब्स को क्लोज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सेकंड में, तो आपको वहाँ पर सिर्फ प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस F4 की, जिससे कि आपके एक एक टैब्स क्लोज हो जाएंगे फ्रेंड्स एक ही सेकंड में। कई बार हमें ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी क्लियर करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप सिर्फ सिंपली कंट्रोल प्लस H की का इस्तेमाल करिए। वहाँ से आप एक ही सेकंड में अपनी हिस्ट्री पर जा सकते हैं और अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9। क्या आपको पता है कि मोबाइल की तरह ही आप अपने पीसी के एप्लीकेशन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं? कई बार हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और हमें उस टाइम पर एक ही सेकंड में एक ही जगह पर बहुत सारे ऐप्स को ओपन करना पड़ता है, तो आपको सिर्फ सिंपली पीसी पर अपना विंडोज़ की प्लस लेफ्ट एरो की या राइट एरो की या फिर अप एरो की या डाउन की एरो की, किसी भी एरो की को आप विंडोज़ के साथ अगर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो आपके सभी रनिंग एप्लीकेशन वहाँ पर मिनिमाइज हो जाएंगे और आप जिस एप्लीकेशन को चाहते हो उस एप्लीकेशन को वहीं पर आप ओपन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। कई बार हमें किसी बुक्स या किसी भी बॉस के प्रेजेंटेशन को रीड करना होता है और हमारे मन में इच्छा जागती है कि हम सीधा लास्ट पेज पर जाके उस पेज को देखें या सीधा अपने फर्स्ट पेज को देखें, तो वहाँ पर हम सिंपली स्क्रॉल करते हैं माउस का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आप बिना माउस का इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही की को प्रेस करते ही आप अपने लास्ट पेज पर जा सकते हो, और वो की है सिर्फ एंड की। आपको सिंपली एंड की को प्रेस करना है और आप अपने करंट पोजीशन के पेज से सीधा लास्ट पेज पर जा पहुँचोगे। वैसे या अगर आपको फर्स्ट पेज पर जाना है तो आप सिंपली वहाँ पर होम की को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली फर्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे फ्रेंड्स। तो अपना आगे का ट्रिक है ट्रिक नंबर 7। कई बार हमें किसी भी एप्लीकेशन में बहुत कुछ टाइप करना पड़ता है और वहाँ पर टाइप करने के बाद किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को अगर हमें सर्च करना है तो सिंपली हम कंट्रोल F की को इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस F की को अगर हम प्रेस करते हैं और वहाँ पर उस सर्च करने वाले वर्ड को अगर हम टाइप करते हैं, तो वहाँ पर हम उस वर्ड को एक ही सेकंड में सर्च कर सकते हैं। अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 6। बहुत बार हमें बहुत कुछ पैराग्राफ को पूरी या सिर्फ पूरी भी बुक को टाइप करना होता है और उस टाइप करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने गलत वर्ड को टाइप कर दिया है और वो वर्ड बहुत बार हमने यूज़ कर दिया है उस पैराग्राफ में या पूरे बुक में। अगर उस वर्ड को अगर हमें वहाँ पर रिप्लेस करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। एक एक वर्ड को आपको वहाँ पर जाके क्लोज करना होगा और फिर से टाइप करना पड़ेगा, तो ऐसा ना करते हुए आपको सिर्फ सिंपली वहाँ पर कंट्रोल प्लस H इस ट्रिक का यूज़ करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस H की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा और वहाँ पर आपको जिस भी की को रिप्लेस करना है उस की को डाल देना है और जिस की से रिप्लेस करना है वो दोनों की आपको डालना है। उसके बाद आपका वो जिस भी वर्ड को आपको चेंज करना है वो वर्ड वहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक आता है ट्रिक नंबर 5। कई बार हमें पूरे टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है तो वहाँ पर हम बस कंट्रोल प्लस A की का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपका सारा का सारा पूरा टेक्स्ट एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा। कभी कभी हमें कर्सर को आगे या पीछे या फिर ऊपर या नीचे ले जाके टेक्स्ट को कॉपी करना पड़ता है, तो वहाँ पर आप सिंपली शिफ्ट की और जहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है, मान लो अगर आपको आगे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस
राइट की का इस्तेमाल करके आपको उस कर्सर के आगे का सभी पैराग्राफ को आपसे आप कॉपी कर सकते हैं। अगर ऊपर का करना है तो शिफ्ट प्लस अप की का इस्तेमाल करके आप उसके ऊपर का पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 5। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो ट्रिक नंबर 4 है कि कभी कभी हमें अपने कर्सर को अपने करंट पोजीशन से सीधा लास्ट पोजीशन में लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ से आप बहुत ही सिंपल एक शॉर्टकट चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और वो है कंट्रोल प्लस एन। अगर आप कंट्रोल प्लस एन इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कर्सर करंट पोजीशन से सीधा लास्ट पोजीशन पर चला जाएगा। और अगर आपको लास्ट पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है तो आप सीधा कंट्रोल प्लस होम की को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मदद से आपका की आपका जो कर्सर है वो सीधा स्टार्टिंग पोजीशन पर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। तो ट्रिक नंबर 3 है, कई बार हमें अपने कर्सर को डायरेक्ट एक वर्ड पीछे या एक वर्ड आगे लेके जाना पड़ता है। तो हम वहाँ पर सिंपली लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा जो कर्सर है वो एक एक लेटर से पीछे आएगा। पर अगर हमें एक एक वर्ड से उसको पीछे लाना है तो आपको सिंपली वहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेफ्ट एरो की का। तो आप सिंपली एक एक वर्ड पीछे आ सकते हो। अगर आपको आगे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो और इसका यूज़ करते ही आप एक एक वर्ड सीधा आगे पहुँच जाओगे। उसके बाद आता है ट्रिक नंबर 2। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पीसी को बिना माउस के शट डाउन किया जा सकता है? तो जानते हैं ट्रिक नंबर 2, जहाँ पर हम शट डाउन करते हैं अपने माउस का इस्तेमाल करते हैं। हमने बहुत बार शट डाउन किया होगा और वो भी माउस का इस्तेमाल करके। अगर मैं आपको कहूँ कि आप बिना माउस का इस्तेमाल करके ही आपका पीसी को क्लोज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सिंपली अल्टर प्लस या 4 प्लस एंटर तीन की को इस्तेमाल करना होगा। आपको अल्टर या 4 को प्रेस करके ही आप अगर एंटर की मारते हो तो वहाँ पर आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। तो हमारा खास ट्रिक है जो कि हमारा इमोजी का ट्रिक। अगर आप इमोजी टाइप करना चाहते हो तो आपको सिंपली विंडोज प्लस कोलन की को प्रेस करना होगा। जैसे आप विंडोज प्लस कोलन की को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इमोजीज खुल जाएंगे और आप तरह तरह के जो जितने भी इमोजीज अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते थे वो सभी इमोजीज को आप लैपटॉप पर भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये थे हमारे टॉप 10 की बोर्ड ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या हेल्पफुल होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।